नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कतर के बारे में, क्योंकि कतर अभी आइलैट चल रहा है। आपको पता है गल्फ कंट्रीज में दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत, जी हाँ, उसमें सबसे टॉप पे कौन चल रहा है? कतर। क्योंकि कतर का रीज़न है भैया, फ्लाइटें स्टार्ट हैं, इंडिया के लोग जा सकते हैं, वैक्सीनेटेड जाओ, नॉन वैक्सीनेटेड जाओ, किसी तरीके से भी जा सकते हो, क्वारंटाइन रहो, लेकिन आपको एक सुविधा प्रदान की जा रही है कि भाई आप कतर जा सकते हैं, चाहे आपका खर्चा लगे, लेकिन अच्छी बात है। जिन लोगों को जाना होता है थर्ड कंट्री की भी उन्होंने इजाज़त दे रखी है कि भाई आप दुबई, सऊदी, कुवैत भी जा सकते हैं, अदर कंट्री, ओमान, बहरीन भी जा सकते हैं, ये अच्छी न्यूज़ है। इसलिए हर आदमी का अभी टारगेट है कतर, जी हाँ। और कतर के बारे में हम बात करेंगे कि भाई किस तरीके से, क्या प्रोसेस। कतर ने भी 2 अगस्त को कुछ अपडेट दिया है, खास तौर से कुछ कंट्रियों के लिए, जी हाँ, उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको वे से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए कतर ने बताया, घोषणा की थी 6 देशों के लिए, खास तौर से बता दूं, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, जी हाँ, और श्रीलंका, इनके लिए अनिवार्य क्वारंटाइन सिस्टम डाल दिया गया। आपको क्वारंटाइन रहना ही रहना है, चाहे आप वैक्सीनेटेड हो या फिर कोरोना हो के आप रिकवरी हो चुके हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। अगर दोनों वैक्सीन आपने लगा रखी है या फिर आप पहले से कोरोना से रिकवर भी हो चुके, उन लोगों को 2 दिन आपको रहना पड़ेगा, जी हाँ, होटल में आपको बुकिंग लेके रहना पड़ेगा, जो प्रोसेस मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, आपने और भी अलग जगह देखा होगा। उसमें आपकी जाँच होगी, जाँच में आप नॉर्मल हो गए तो आप निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना आपको 10 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, जी हाँ। अगर रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आ जाती है तो 10 दिन आपको होटल में क्वारंटाइन किया जाएगा, इसका खर्चा टोटल का टोटल आपका लगेगा। क्योंकि भाई कतर सरकार ने एक अच्छी बात है कि वीज़ा स्टार्ट कर दिए हैं, विजिट वीज़ा, फैमिली वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, कोई भी तरह का आपका वीज़ा है तो उस वीज़ा में अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे क्वारंटाइन रहना ही रहना पड़ेगा, ये एक अच्छी बात है। और भाई इंडिया से मैं बता दूँ, इतनी फ्लाइटें हैं, आप 1 अगस्त से लेके 29-30 अक्टूबर तक खूब फ्लाइटें हैं भाई, जितना मर्जी है फ्लाइटें, जितनी ज़्यादा होंगी आप ये मान के चलते हैं कि टिकटों का भाव भी कम होगा। अभी अगर बात करें तो टिकट कतर की मेरे हिसाब से 15,000 समथिंग आ रही है, तो 15,000 टिकट का इस टाइम में कोई ज़्यादा नहीं है भाई, ठीक ठाक है, आप जा सकते हैं। आप कतर के लिए बेस्ट ऑप्शन भाई जो दुबई हैं, कुवैत जाने वाले हैं, सऊदी अरबिया जाने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी ठीक है, आप लोग भी वहाँ कतर से होके जा सकते हैं, लेकिन भाई पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा 2 लाख से ऊपर आपका खर्चा पड़ जाएगा। क्योंकि यार लाख रुपए तो आपको जेब में चाहिए सीधे सीधे, 5,000 कतरी रियाल जेब में होनी चाहिए, आपका चेक कर लेंगे वो, ये नहीं कि चेक नहीं करेंगे, आप एटीएम में दिखा दो, एटीएम भी चेक कर लेंगे, क्रेडिट कार्ड हो, डॉलर में हो, किसी भी तरीके से पैसा हो, लेकिन वो आपके पास होना चाहिए। तो ये एक रिस्की मामला हो सकता है एक गरीब आदमी के लिए, जी हाँ। दूसरी बात, अगर आप इन देशों में जाते हैं थर्ड कंट्री के द्वारा, तो पैसा लगने के बाद भी रिस्क बना रहेगा। आप ये सोचोगे यार पैसा लग रहा है, रिस्क है। देखिए कतर ने फ्लाइट, कतर का आप सोचोगे यार कतर ने इतनी रिस्क क्यों ले रखी है फ्लाइटों के मामले में, तो भाई कतर का एक सिस्टम है। कतर में बता दूं 2022 में ओलंपिक मैच होने वाले हैं, आपको सबको पता है, जैसे ओलंपिक मैच अभी जापान में हुए हैं, टोक्यो में, उससे पहले वे में भी शायद कुछ मैच हुए थे क्रिकेट से रिलेटेड। अभी मैचों की मेज़बानी करेगा 2022 में कतर, जी हाँ। और कतर में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, और अभी इसी वजह से कतर ने फ्लाइटें बंद नहीं करी हैं। कतर ये सोचता है कि भाई अगर हमें लोगों की ज़रूरत है, वर्करों की जो काम करें यहाँ पे, उनके लिए फ्लाइटें चालू हैं, तो क्यों ना फिर सबको हम एंट्री, भाई लोग आ ही रहे हैं तो सभी आए ना फिर, ये थोड़ी है दुबई की तरह कि वो आ सकते हैं बाकी रहने दो, जहर खाना ही है तो इतना क्यों खाएं फिर, इतना तो खाएं, नाम तो है कि जहर खा लिया, चाहे इतना खाओ चाहे इतना खाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। जब वर्करों की ज़रूरत है फ्लाइटें चालू करनी पड़ेंगी तो सबको कर दो, कमाई तो कमाई होगी ना। अभी आप समझ रहे हैं कतर सरकार कितना पैसा कमा रही है पर डे, बहुत अच्छा पैसा कमा रही है, क्योंकि बहुत सारे गल्फ देशों के जो 5 कंट्रीज बची हैं, दुबई को, कतर को छोड़ के, बाकी सबकी फ्लाइटें बैन है, इन देशों में 14 दिन आपको रहना होता है, तो इसके बाद आपको दूसरे देशों में जाना होता है, समझ गए बात को। तो वो पैसा तो इनकम तो है ना कतर सरकार को, क्योंकि आप क्वारंटाइन भी करोगे, खाना भी खाओगे, 14 दिन में शॉपिंग भी करोगे, तो पैसा तो कमा ही रहे हो ना।
हाँ कतर में, अगर आप कतर में ही रहना है तो आपको वो अलग प्रोसेस है, 2 दिन आपको क्वारंटाइन रहना है, अगर आप पॉजिटिव आ जाते हो तो 10 दिन रहना, वो एक अलग प्रोसेस है। तो ये भी एक अच्छी बात है, इस नाम से कतर में लोग कितने 2 दिन रहना जी होटल में रह लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, डोज वहाँ भी लगनी है, सबको डोज लगाई जा रही है। तो ये एक अच्छी, एक नियम बड़े ईजी हैं कतर के, कोई हार्ड नियम नहीं है। हाँ विदेश जाते हैं थर्ड कंट्री में, उनके लिए हार्ड इसलिए पड़ जाते हैं कि वो उन्होंने देशों ने कर रखा है, वे जाओगे सऊदी जाओगे कोई जाओगे तो उन्होंने हार्ड कर रखा है ना कि भाई 14 दिन आप रुको फिर आप वहाँ पे आओ, इस तरह से उनका प्रोसेस है। तो कहने का मतलब ये है, बाकी आप अगर कतर जाना चाहते हैं कमाई के मामले में या फिर आप जॉब में जाना चाहते हैं तो सिंपल है भाई, आप अपने कोई वहाँ पे रहता है उनसे वीज़ा ऑन अराइवल है, ये एक अच्छी बात है भाई, कतर का कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट लीजिए टिकट लीजिए सीधा एयरपोर्ट पहुँच जाओ और आप जा सकते हैं, कोरोना वैक्सीन यहाँ से लगवा के जाओगे तो अच्छी बात है, 2 दिन वहाँ पे रुकना है बाकी आप अपने अगले नेक्स्ट स्टॉप के लिए चले जाओ। तो ये एक भाई कतर जाने वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग इंडिया में बैठे हैं। अभी मैं बता दूँ हमारे राजस्थान की बात करें, शेखावाटी बेल्ट आता है सीकर चूरू झुंझुनू, ऑप्शन ही नहीं है, किसी को भी पूछ लो जी कतर जा रहे हैं, कतर के अलावा ऑप्शन है कहाँ? आप सबको पता है यूरोपियन देशों तो देशे तो वीडियो में अच्छे लगते हैं, उनमें यहाँ इतनी कमाई है, बाकी लोग ठगी का शिकार होते हैं, कुछ है नहीं। गल्फ देशों में सबने बैन कर रखा है, कतर एक बचा हुआ है, और कतर में कंस्ट्रक्शन का ही काम है सबसे ज़्यादा, ये भी मान के चलिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन 2022 में ओलंपिक मैच है फुटबॉल वगैरह, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यानी ये जो मैदान जिनको बोलते हैं या फिर जो स्टेडियम बोलते हैं वो बनाए जा रहे हैं वहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा है। हालांकि ये काम कब तक कंप्लीट, 2022 से पहले तो करना पड़ेगा, समझ गए, जैसे इंडिया में एक्सपो, जैसे दुबई में एक्सपो था ना 2020 एक्सपो, तो उसके लिए कितना कंस्ट्रक्शन और वो तैयारी चल रही थी काफ़ी सालों से, समझ गए। तो ये ही इसमें काफ़ी टाइम से 3-4 सालों से तैयारी चल रही है कतर में। हालांकि भाई कतर में सैलरी अब वही है, भीड़ बढ़ जाती है, एक कंपनी को ज़रूरत है 500 लोगों की, वहाँ 1500 लोग खड़े हैं तो कंपनी बोलेगी जी इतना ही दूंगा मैं, तो काम करना तो कर ले वरना यहाँ से जा सकता है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। हालांकि कतर सरकार ने एक मिनिमम सैलरी घोषित कर दी थी, आपने लेबर लॉ बनाया था मार्च 2021 से वो लागू भी कर दिया गया है, मिनिमम सैलरी कतर सरकार ने 1800 रुपये की है, जिसमें बता दूं 1200 रुपये आपकी मजदूरी है मिनिमम सैलरी, 1800 रुपये रूम सहित, अगर रूम नहीं है तो कंपनी रूम पर रखेगी और खाना देगी तो 1200+ आपका खाना हो जाता है, बाकी अगर कंपनी रूम भी आपका खाना भी आपका तो आपको 1800 रुपये मिनिमम सैलरी कतर की सरकार के एक का जो लेबर लॉ है उसमें बताई गई है, 1200 रुपये मिनिमम लोगों को सैलरी मिल रही है, अच्छी बात है। जो ऑफर लेटर मेरे पास आए उनमें भी लिखा हुआ है, बाकी तो भाई आप लोग वहाँ पे जाते हो अभी मार्च के बाद में जो लोग गए हैं उनकी कितनी सैलरी है वो तो जो आप लोग कमा रहे हो आपको पता ज़्यादा होगा, कि मान सकते हैं कि भाई ये कोरोना पेंडेमिक की वजह से सैलरी लोगों ने कम कर दी है, जैसे कई कंपनियों ने 30% कम कर दी, 20% कर दी, या कई कंपनियों ने तो 60% सैलरी कम कर दी, भाई इतने में काम करना है तो करो वरना आप घर जा सकते, तो बंदा मजबूरी में कर सकता है, वो एक अलग प्रोसेस है। बाकी मिनिमम सैलरी मैं बता रहा हूँ 1200+ रहना प्लस खाना आदमी को मिल जाता है तो अच्छी ठीक है। अभी जो लोग जा रहे हैं ना भाई एजेंट, बहुत पैसा कतर के नाम से 90,000 तक लाख रुपए तक वसूल ले रहे हैं, जबकि आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जो लोग कतर जा रहे हैं उनका वीजा का पैसा नहीं लग रहा है, वीजा ऑन अराइवल है, फ्री है, समझ गए बात को। अगर आपका वर्क परमिट विजिट वीज़ा वाला आता है कि भाई यहाँ से वर्क परमिट है लेकिन वीज़ा वहाँ जाके लगेगा, वो तो कंपनी वीज़ा देती है, ध्यान रखने की बातें हैं, या फिर कोई बोलता है भाई आपका वीज़ा वहाँ जाके लगेगा, ये टिकट ले तू फ्लाइट कर, वो पैसा नहीं लगना चाहिए। 90,000 किस बात के दे रहे हो, आपको कोई पूछने वाला चाहिए? 70,000-80,000 रुपये किस बात के दे रहे हो कतर के? वीज़ा तो फ्री है आपका, वीज़ा का पैसा नहीं है, टिकट का पैसा 15,000 लग रहा है, बाकी इंश्योरेंस 1,000 के समथिंग इंश्योरेंस आती होगी, जो ट्रेवल इंश्योरेंस होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, बाकी आपका कौन सा पैसा लग रहा है? आप जो RT-PCR जो टेस्ट करवाते हो वो आपका 1,000-1,500 रुपये आपकी जेब से लग रहा होगा, बाकी कोरोना डोज है वो आप अपने स्तर पे लगवा रहे हो, तो पैसा किस बात का? आप जब भी कतर जाएं इस बात का हमेशा अपने एजेंट के साथ डील करें कि भाई वीज़ा पैसा नहीं लगता कतर का, विजिट वीज़ा में अगर एजेंट यहाँ से विजिट टू वर्क परमिट में भेज रहा है तो आपका पैसा नहीं लगता, और वीज़ा भी आ रहा है तो भाई कंपनियाँ देती हैं वीज़ा, तो इतना पैसा किस बात का? अच्छी खासे लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, 90,000 के लोगों के मेरे से जो बताते हैं सर 90,000 दे के कतर के जा रहे हैं, जबकि एक टिकट लेनी होती है 15,000 की, बाकी पूरा पैसा ये बीच में दलाल होते हैं ना ये खा जाते हैं,
क्योंकि चलिए कि एक आदमी के पीछे एक जैसे आप मैं हूँ, मैंने किसी से बात करी, वो एजेंट सब एजेंट हो गया, फिर उसने आगे जैसे दिया मैन ऑफिस में, मैन ऑफिस वाले का दिल्ली बॉम्बे कोलकाता संपर्क होता है इस तरह से, फिर वो कंपनी में भी आजकल दलाल बैठे हैं जैसे कतर में हो गए, वो वीज़ा निकाल के देते हैं अपने आदमी को, भाई एक आदमी के पीछे 5,000 दे देना मुझे, वहाँ से डील शुरू हो जाती है। तो 4-5 जगह ये पैसा डिवाइडेशन हो जाता है, इस वजह से आप लोगों के ऊपर ये इतना खर्चा पड़ता है, बाकी कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। विजिट में जा रहे हो, टिकट लो जाओ, कोई वीज़ा का पैसा नहीं, इस बात को आप ध्यान रखें। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी साथियों कि भाई कतर एक अच्छी इस माहौल में अपॉर्चुनिटी आप लोगों के बीच में है, आप दूसरे देश भी कतर होके जा सकते हैं, या फिर इन 6 देशों की अगर बात करें तो आप डायरेक्ट भी कतर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, डोज लगवा लो तो अच्छा होगा, आपके लिए रिस्क नहीं रहेगा। जी हाँ, बस अपडेट अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।